यार तीसरे का नाम भूल गया भैया, तीसरा और चार गांव, पांच गांव आए हैं अभी तक भैया, नाम भूल गया हूँ दोबारा, मगर मैंने फोटो खींची हुई है कुछ बातों का साथ में। यार ये नाम शाम के आदमी का क्या करते हैं, एक दफा नया स्टेशन आ जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। मैंने उसकी फोटो खींची हुई है स्टेशन की, गाँव आते हैं उस गांव से होते हैं, और ये रास्ता किस गांव किस जगह हाईवे पे दोबारा टच करता है उसकी मैं जानकारी आपको ज़रूर दे दूँगा। प्यारा रास्ता है, वही मैं भाई से बात कर रहा था कि लद्दाख पहले इस टाइप का रोड कच्चा रोड हुआ करता था, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा इस टाइप में ब्लैक टॉप हुआ, उसके बाद डबल हुआ, आपको डबल का भी डबल हो गया, आपको आप उस लद्दाख को मिली जाइए, मगर इस टाइप के इतने छोटे से रास्ते सेम इसी तरीके से मिट्टी पड़ी हुई है, हुआ करती थी बीच में, और जो जिस जगह मार कम लगती होगी वहाँ थोड़ा रास्ता रहता था ठीक, जिस जगह लगती वहाँ खट्टे पूरा हाल गाड़ी चलना, यानी कि समझ लो कि उस टाइम लद्दाख को 85 to 2000 तक लद्दाख को काले पानी की सज़ा बोलते थे कि अगर किसी की जे एंड के में से किसी की ड्यूटी अगर लद्दाख लग जाती थी तो उसको कहते थे कि इसको काले पानी की सज़ा दे दो, क्योंकि उस तब जम्मू से लद्दाख 3 दिन लगते थे और मनाली से भी लद्दाख 3 दिन लगते थे, मगर आज देखिए 40 साल के बाद अब आज आप तो एक एक दिन में भी आप लद्दाख पहुँच सकते हैं। काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, रोड्स काफ़ी बढ़ी हैं, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। इस रास्ते को मैंने गूगल पे ढूंढा हुआ, गूगल पे आपको ये रास्ता ज़रूर मिल जाएगा दोस्तों, मगर बात वही है कि वहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए कभी मैंने चांस नहीं लिया, और आज मैं उस प्यारो भाई का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे इस रास्ते की जानकारी दी कि सर आप वहाँ से जाइए, अगर आपने वो वाले पुराने रास्ते किए हुए हैं मैं आपको नया रास्ता बताता हूँ, आप उस रास्ते से जाइए वो भी आगे जाके इसी हाईवे से मिल जाएगा, क्योंकि तो वो रास्ता है सिंगल है मगर फुली ब्लैक टॉप है, अभी इस रास्ते का जो हाईवे वाला रास्ता है इसका काम चल रहा है, ये बीच में कच्चा पक्का है, तो अभी तक तो काफ़ी सफ़र इस पर कर चुका हूँ, मेरे आइडिए से 16 किलोमीटर आ गया हूँ और बिल्कुल ब्लैक टॉप है, सिग्नल आपके सामने है रोड, इसीलिए ये फुल वीडियोस बनाता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि भाई किस टाइप के रास्ते हैं, ताकि आगे जाके भाई देखता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी देर के बाद ये हमारा हाईवे से टच होगा। टैक्सीज मैक्सिमम यहीं से चलती हैं, ये पक्का रास्ता है, उनका टाइम बच जाता है, तो इसी रास्ते से पदम मनाली यही रूट को पकड़ती है, तो बहुत तेज आ रहा था, मैंने कहा भैया तू ही निकल जा, मैं रुक जाता हूँ, इसके पास यहाँ स्पेस थी रुकने की मगर वो तेज में था, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो वहाँ पे जो मेरे पास स्पेस थी उसी में रुक गया। ड्राइवर को भी सोचना होता है कि दूसरी गाड़ी को भी स्पेस देने के लिए किस जगह पर, यही कारण होते हैं मेन जब कोई दुर्घटना हो वहाँ दोनों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक की नहीं, आपने देखा ही होगा लाइव वीडियो, देखो कितनी तेज और कच्चा रास्ता था, कितनी तेज आया, मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं अपने लाइफ को अपने हिसाब से करता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है उस तरीके से, 2 मिनट में उसको साइड दे दूँगा मेरा कुछ नहीं जाएगा, मगर मेरा आगे का सफ़र सेफ है। ये शानदार नज़ारा
दिसांग विलेज ये छठा गांव आया इस रूप पे 18 किलोमीटर के बाद। और ये दोस्तों ब्रिज है, ये ब्रिज उस हाईवे से ऊपर जुड़ेगा। इस ब्रिज को यहाँ से मैं क्रॉस करूँगा, नीचे देखिए नदी का पानी है, और इस ब्रिज को मैं क्रॉस करके सीधा ऊपर हाईवे के साथ वो जो पीछे से पूर्णिया से जो हाईवे आ रहा है उसको, यहाँ तक की लेंथ अभी तक 927 यानी कि 18 किलोमीटर शायद 20 किलो। ये दूसरा ऊपर से जो ये रोड आ रहा है, इस रोड से ये टच एक आधे टर्न के बाद ये टच हो जाएगा। अब यहाँ से मैक्सिमम ब्लैकटॉप रहेगा, वो जो कच्चा रास्ता था वो पीछे का था ज़्यादा। अब देखता हूँ, ये तो सफ़र तय करने पे ही पता चलेगा कि मैं ब्लैकटॉप पे हूँ या कैसा रोड है। ये नीचे ब्रिज है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि इस दफ़ा एक नया एरिया एक्सप्लोर किया, डिस्कवर किया, इस रास्ते से आया हूँ मैं सामने वाले रास्ते। और यहाँ से अब मैं ये बोर्ड लगा हुआ है सामने इंफॉर्मेशन का, विलेजेंस का डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये रास्ता है मेंटेन फॉर 4-5 ईयर्स। एक तो बोला नहीं जा रहा भैया, मुंह से ठंड से बुरी हालत हो गई है, आप पाड़ी लीजिए खुद। और ये 0 पॉइंट, और ये रास्ता जो है ये पीछे से रास्ता आ रहा है, यहाँ पे ये रास्ता कनेक्ट होता है। मैं उन सभी गाड़ियों से अब आगे हूँ जो मुझे कसाब में छोड़ के आगे निकली थी। तो बाइकर्स भी पीछे हैं, गाड़ियाँ भी पीछे हैं, अभी पीछे कुछ देर का काम भी वहाँ चल रहा है, रुकी हुई है गाड़ियाँ, देखो कितना टाइम मिलता। और काफ़ी रोड का भी तो काफ़ी काम हो रहा है, और साल दो साल में ये मेरे आइडिया से इन सब पे ब्लैकटॉप हो जाएगा, फिर तो बहुत बढ़िया है। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, यह बड़े आराम से फिर एक एक दिन की अपनी जर्नी घूमते फिरते यानी कि आपको ट्रैवल करने में ट्रैवल करते समय थकान महसूस नहीं होती। तो ये देखिए बर्फ़ पड़ी हुई है नीचे, मिलता हूँ दोस्तों आपको आगे किसी नए एपिसोड के साथ। पास इसलिए लिया, धूल मिट्टी की मुझे टेंशन नहीं थी, मुझे अपने मोमेंटम की टेंशन थी। धूल मिट्टी कितनी भी लग जाए मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर ये मेरी हल्की फुल्की बाइक है इसका मोमेंटम का चक्कर है। अगर मैंने इसका मोमेंटम तोड़ दिया या कुछ ब्रेक लगा देता
तो मुझे गियर शिफ्टिंग ज़्यादा करनी पड़ती, मेरी गाड़ी ज़्यादा जोर लेती। ये देखिए आराम से दो नंबर और लास्ट में आके मैंने इसको गियर शिफ्ट किया, आराम से गाड़ी ने ऊपर चढ़ा दी। तो ये दोस्तों इन रोड्स पे मोमेंटम की गेम है, स्मूथ आहिस्ता आहिस्ता तेज भी नहीं भगाने की मैं बात करता हूँ। तो आप एक मोमेंटम में रहिए गाड़ी आराम, अगर आपने ब्रेक लगाई और गियर शिफ्ट ज़रूर कर लीजिए ऑफ रोड्स पे। अगर आप ब्रेक लगाते हो बोलोगे कि गाड़ी चढ़ जाएगी वो मुश्किल है, गियर शिफ्ट कर लो गाड़ी का थोड़ा सा मोमेंटम बन जाए, गाड़ी की थोड़ी सी पावर बन जाए और वो आराम से आगे आपको आराम से आगे निकल जाए। तो इसीलिए मैंने दोबारा इस ट्रक को ओवरटेक किया और अभी देख लीजिए मैं दो तीन नंबर में चल रहा हूँ, आराम से तीन नंबर में चल रही है मेरी गाड़ी। और स्पीड देख लीजिए आपके सामने तीन नंबर बड़ी अच्छी स्पीड है, मुझे यही स्पीड चाहिए होती है रोड्स पर, क्योंकि मुझे अपनी और अपनी बाइक की दोनों की सेफ्टी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो चल रहा हूँ दोस्तों अनप्लान जर्नी की स्टेज टू, जब शाम को कंप्लीट होगी तो उस वक्त बताऊंगा कि क्या क्या हुआ, कौन कौन सा स्टेशन, स्टेशन के नाम तो मैं पूरे बता नहीं पाऊंगा, वो क्लिप्स है मेरे साथ मैं लिख दिया करूँगा। या वो करिए बताना बहुत मुश्किल, और बोलोगे कि अगर कुछ बोल के मैं पढ़ूँ तो फिर तो मैं रहा इन्हीं चक्करों में। इतनी देर मेरा कल मेरा आगे दो दिन का बैकलॉग चल रहा है पिक्स का, अभी सिग्नल नहीं था तो दिन से मैंने कोई पिक नहीं डाली। कल रात को मैं केलांग में था, उससे पहले मैं जंगल में था तो मैं पिक नहीं डाल सका, दो दिन की पिक नहीं डाल सका। और आज तीसरा दिन है, सोच लो कि मुझे कितना काम करना होगा, मुझे जो जो पिक्स दिखेगी मैं वो डालता जाऊँगा डे बाई डे। और वीडियोज की तो हमारा जब मैं निकलता हूँ तो आप समझदार ही हो कि मैं वीडियोज और फोटोग्राफ्स भी वो भी अनलिमिटेड होते हैं, इतना वीडियोज और पिक्स इतनी लेता हूँ कि सोचता हूँ कि कोई स्टेशन कोई पॉइंट कोई ऐसी जगह ना रह जाए कि कल को कोई बोले सर ये आपने किया या देखा या क्रॉस किया, तो मैं अपने पिक्स के बारे में पिक्स के द्वारा आपको बता दूँ हाँ भैया ये देखो ये वही जगह है। अभी नाम नहीं मुझे याद रहते, इतना ट्रैवल करता हूँ कि हर 10 मिनट के बाद नया स्टेशन आ जाता है। अभी मुझे लग रहा है भाई ये देखिए यहाँ पे शॉप है, सकती हूँ मेरी प्रायोरिटी तो अभी है कि थोड़े से बादल हो रहे हैं, मैं जितना जल्दी से जल्दी हो कदम कदम भी मेरा कोई ज़्यादा नहीं रहा होगा, 40 किलोमीटर के आसपास मेरा कदम रहा होगा। पूछ लेता हूँ किसी से, अब आइडिया तो मैंने बीच में तो काफ़ी है मेरे पास, मगर इतना टाइम नहीं होता कि उनको दोबारा स्टडी किया जाए। मगर अप्रॉक्सी मेरा तो मेरा अपना तजर्बा मतलब मुश्किल से 40 किलोमीटर होता है। उसका लमसम मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे मैंने शंकुला नीचे आया था वहाँ से 80 किलोमीटर बताया था उन्होंने, 80 किलोमीटर अगर उन्होंने वहाँ से मुझे बताया तो 5 किलोमीटर मेरा हो गया गोपोरंजन, और गोपोरंजन के बाद करजाक हो गया 5-10 किलोमीटर करजाक से आगे जिस जगह से मैंने टर्न लिया 20 किलोमीटर, और 18 किलोमीटर ये जो साइड से निकला हूँ 20 और 18 प्रॉक्सी 40 ही हो गए, और 5-7 किलोमीटर यहाँ पे भी आ गया हूँ। तो उसका मतलब आधा रास्ता मैं वहाँ से यहाँ तक तय कर चुका हूँ, ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है। और इसकी रीडिंग इस वक्त मैं बताता हूँ
230। इतना बिल्कुल सही बात है कि रीडिंग है, आज मुझे याद नहीं रह रही कि कितनी रीडिंग्स है, कितनी नहीं है। तो मेरे आइडिए से 110 पे निकला था मैं, वहाँ से केलांग से 230 हुआ, तो इसका मतलब 120 किलोमीटर मैं अभी तक केलांग से सफ़र कर चुका हूँ। तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि 130 किलोमीटर तो हो ही गया होगा यहाँ तक। और एक भाई और मिले हैं मेरे को, ये भी राइड पे निकले हुए हैं, अकेले हैं, एचपी नंबर है, बहुत बढ़िया। Life alert today, life tomorrow. बिल्कुल सही लिखा, चुकन्ने रहेंगे तो दूसरा दिन देखेंगे। तो लग रहा कि मौसम खराब हो रहा है, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, तो शायद कैमरा बंद करना, कोई खड़े होने की